मामला तहसील टूला के स्टेशन रोड का है, जहां नगर पालिका की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से 40 साल से एक परिवार रह रहा था, जिसको SDM टूला ने कोर्ट के आदेश पर मकान को ध्वस्त करा दिया। गरीब परिवार का कहना है कि हमें सरकार ने बेघर कर दिया, हम सड़क पर आ गए हैं, जबकि हमारा मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और 23 अक्टूबर की तारीख लगी है, लेकिन प्रशासन ने बिना कुछ हमारी सुने हमारा घर उजाड़ दिया। वही दूसरी ओर SDM का कहना है कि इनको कई दिन पहले ही काशीराम कॉलोनी में 2 आवास दे दिए गए हैं, लेकिन इन लोगों ने उसे किराए पर उठा रखा है और सरकारी जमीन पर अभी रूप से कई वर्षों से कब्जा कर रखा था, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद खाली करा दिया गया है और पुनः नगर पालिका को कब्जा दिला दिया गया है। टूला से ब्रजपाल सिंह परमार की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। किराए पर उठाए हैं ये। पूरा मामला ये है कि ये लोग कहते हैं कि पहले ये सरकारी जमीन बताई गई थी, पर ये पीली मिट्टी है, तो इन्होंने कोर्ट में मुकदमा लड़ा नगर पालिका द्वारा, ये मुकदमा जीत चुके हैं। अभी भी एक बार मुकदमा नगर पालिका भी जीत चुकी है, उसके बाद भी फिर ये विचाराधीन है। ये पेपर है, इसमें कोर्ट में सुनवाई है 23 अक्टूबर। प्रशासन का कहना है ये हाई कोर्ट से ये मुकदमा हार चुके हैं, प्रशासन का कहना है। तो पहले मुकदमा तो हाई कोर्ट में ये भी हार चुकी है, हाई कोर्ट भी हार चुकी है, इनको पूरे कागज हैं, पर SDM साहब को कागज दिखा रहे हैं, SDM साहब मान ही नहीं कर रहे हैं। SDM साहब कह रहे हैं हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है तो SDM साहब भी तो स्वयं दिखाएं कागज, इनके कंसल्टी तो करें कम से कम, के इनके मेरे पास कागज है, हाई कोर्ट का कागज है, वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो गुंडागिर्दी एक तरह से, प्रशासन गुंडागिर्दी कर रहा है गरीब के साथ। मामला इसमें ये है कि ये ग्राम समाज की जमीन थी, इस पर अतिक्रमण था और करीब 30 साल से अतिक्रमण था। इस जमीन की कीमत अगर वर्तमान में मार्केट रेट पे आगे जाए तो करीब 1.5 करोड़ रुपए हैं। जो परिवार उसमें रह रहा था उसे कई बार खाली कराने का प्रयास किया गया, नोटिस भी दी गई, ये विभिन्न न्यायालयों में गए, कहीं पर इनको रेमेडी मिली नहीं। हाईकोर्ट तक से ये हार चुके, इसमें डिमोलिशन के आदेश हो गए और इनको नोटिस दी गई 20 दिन पहले कि आप अपना सब सामान खाली कर हटा लीजिए, इसको सरकारी संपत्ति है, इसको कब्जे में लिया जाएगा। इन्होंने नहीं किया, पूर्व में इन ये बेघर न हो जाए इसलिए इनको 2 काशीराम आवास आवंटित कर दिए गए थे, इसको इन्होंने किराए पर लगा दिया और जो है स्वयं इसको कब्जा बनाए रखे। तो आज रेवेन्यू टीम और पुलिस टीम और नगर पालिका की टीम के साथ मिल करके इसको पूरा जो है खाली करा लिया गया, अब इस पर नगर पालिका का कब्जा है। दूसरा मामला लाइन पार में जो है एक बाउंड्री वाल का भी है। लाइन पार में वो श्रेणी 6-2 आबादी का मामला है, उसमें अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग जब कोई मर जाता था तो वहाँ रख अंतिम संस्कार करने से पहले रख करके क्रिमिटाइज करते थे, वहाँ पे सब को रख करके अपना जो भी संस्कार है वो करते थे, उसको 2 लोगों ने जबरन घेर लिया। इसकी कंप्लेन हुई जिलाधिकारी महोदय के पास, मेरे द्वारा जांच हुई, जो कि अभी जांच किया तो ये अवैध पाया गया, इसलिए इसको भी खाली करा दिया गया, इससे अनुसूचित